हमारे इश्क के अंदर कभी जज्बा नहीं होता। ये जज्बा क्यों है सुने हमारे इश्क के अंदर कभी जज्बा नहीं होता। परेली में हमारे इश्क के अंदर कभी जज्बा नहीं होता। परेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। परेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। इश्क महब्बत इश्क महब्बत बस्ती बस्ती हरिया हरिया। परेली में अगर अहमद रजा पैदा नहीं होता। परेली में अगर अहमद रजा पैदा। जो शेर पढ़ने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, क्या नाम है इलाके का? बिश्नपुर में। और बिश्नपुर के बारे में हमारे चचा ने कहा कि कलाम लिख दीजिएगा, अभी मैं लिखूंगा इंशाल्लाह और पढ़ूंगा भी सेकंड राउंड में। ये आखिरी शेर सुन लीजिए, हुजूर दुआएं चाहता हूँ। अब मैं देखता हूँ कौन खामोश रहता है, सरकार मुजाहिदे मिल्लत का दीवाना, मैं देखना चाहता हूँ। हाजी साहब सला हमारी मस्जिदे तोड़ी गई खामोश थी दुनिया। हमारी मस्जिदे खामोश थी दुनिया। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई खामोश थी। अब भी खामोश है, देख लो बिल्कुल अब भी खामोश है। हमारी मस्जिदें तोड़ी गई खामोश थी दुनिया। अगर होता मुजाहिद तो अगर होता मुजाहिद तो अगर होता मुजाहिद तो अगर होता मुजाहिद तो कभी ऐसा नहीं होता। अगर होता मुजाहिद तो कभी ऐसा। अगर होता मुजाहिद तो कभी ऐसा। अभी हुजूर अभी भी मिल्लत का नारा लगाया है, मेरे पीरो मुर्शिद का आप नारा लगाया है। मुजाहिद के नवासे जिसके सर पे हाथ रखते हैं। मुजाहिद के नवासे जिसके सर पे हाथ रखते हैं। कभी जिन्नात का उस शख्स पर हमला नहीं होता। कभी जिन्नात का उस शख्स पर हमला नहीं होता। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया। फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत फैजाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत आमदे रसूल। अस्सलामु अलैकुम।